अब ये है आपके गन निकालना है। गन के लिए फॉर्मूला है, इतना बड़ा फॉर्मूला है, फॉर्मूले के आधार पर हम फाल करेंगे। देखो सबसे पहले हमने 15 है, 15 संख्या किसके करीब है, आधार कितना हो गया इसका, इसका आधार हो गया आपके 10, उपाधार हो गई नहीं इसका। फिर है विचलन, विचलन हो जाएगा इसका 5, 15 में से 10 डेप्यूटे बच गए आपके 5, इस पर जमा दो, उपाधार ही नहीं क्यों यही लेंगे हम। संख्या, संख्या क्या है आपकी, संख्या हो गई आपके 15, ये संख्या प्लस 2 इंटू विचलन, विचलन कितना है 5। फिर है उपाधार है नहीं हमारे पास 3, आप चाहो तो एक लिख सकते हो, एक से कोई असर नहीं पड़े क्वेश्चन, एक का एक इंटू इंटू 3, यहां भी आप चाहो तो एक का ऐसे स्क्वायर लगा सकते हो, इंटू विचलन का स्क्वायर, विचलन कितना है 5 का स्क्वायर। फिर है विचलन की घात 3, तो 5 की पावर 3, ये तो हो गए आपके 10 और 15, ये हो गए 25, 5 है 25, 25 3 जा 75 और 5 25, 25 5 जा 125, गुणा करेंगे तीनों को, 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 5 125। अब यहाँ हमने जो बेस लिया वो कितना है आपके 10 है, एक संख्या है तो हम एक ही संख्या ही लेंगे, यहाँ लेंगे हम कितना 5, ये 12 हम इधर भेज देंगे, ये जो 12 दे रखे हैं इसको यहाँ भेज देंगे, तो कितना होता है आपके, ये होता है 87। 87 का हम यहाँ पर 7 लिख देंगे और ये 8 है हम यहाँ आगे भेज देंगे, 2508 होते हैं आपके 33, ये हो गए 3375। इसमें कैसे करेंगे, सबसे पहले आधार, आधार कितना है आपके 100। फिर है उपाधार है नहीं, इसमें भी आप चाहो तो लिख सकते हो उपाधार वो है आपके 1। फिर है विचलन, डेविएशन, इसमें से ये घटा देंगे माइनस कर देंगे, 91 में से 100 गए तो पीछे बच गए आपके माइनस के 9। इस फॉर्मूले में जमाओ, सबसे पहले उपाधार, उपाधार मतलब माइनस एक है केवल, उपाधार एक ही है, एक का स्क्वायर कोष्टक। संख्या, संख्या क्या है 91, 91 में से हम जोड़ लेंगे, ऐड कर लेंगे, क्या ऐड कर लेंगे 2 इंटू विजलन, विजलन कितना है माइनस का 9। फिर है लाइन, फिर है आपके उपाधार, उपाधार कितना है 1 को किससे गुणा करेंगे 3 से, और गुणा करेंगे हम विचलन का स्क्वायर, विचलन कितना है माइनस 9 का स्क्वायर, और लास्ट में विचलन की क्यूब माइनस 9 का होल क्यूब। यहाँ तो एक मतलब ही नहीं, 91 में से 91 में से कितने जाएंगे आपके 18, 99 का 81, 81 त्रिजा 243, और यहाँ आपके 9 क्यूब ये होता है 729, 81 गुणा करके और 900 729, यहाँ आधार आपके 100 है और यहाँ आपके माइनस आ गया है। अब क्या करेंगे हम, इधर से ये माइनस का है तो उसको इधर से उधार लेंगे, अगर हमने एक उधार लिया तो 100 आएगा, 100 से 729 माइनस होंगे नहीं, दो लेंगे तो 200, तीन लेंगे 300, या 729 है तो कम से कम 700 से अधिक लेने पड़ेंगे, तो कितना लेंगे हम, यहाँ से 8 माइनस करेंगे और इधर भेज देंगे, यहाँ का एक 8 से, जो एक 100 के बराबर होता था, 8 से बराबर होंगे आपके 800 के बराबर, ये हो गया 800, 800 में से गए 729 घटाओ, ये होते हैं आपके 800, कितने बचे आपके 71, 800 में से गए 729, यहाँ हमने 8 माइनस कर दिए तो 2 पहले में से 8 गए तो पीछे बच गए आपके 235। लेकिन यहाँ आपके जो आधार है वो 100 है तो केवल कितनी लेंगे, केवल 2 संख्या ही लेंगे हम, 35,
और ये दो है हम आगे भेज देंगे, दो आगे प्लस कर देंगे, आगे खेल फोर्ड करेगा, इधर ला नहीं रहे तो मेहनत नहीं करेगी। इकरणों में से आपके 18 गए तो पीछे बच गए आपके 73 और 73 में से दो और ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 75। इसमें देखो आधार कितना 10, उपाधार कितना 3 क्योंकि 32 है इसकी, और ये हो जाएगा आपके विचलन कितना, यहाँ है 32 और यहाँ 10 इंटू 3 30, पीछे बच गया आपके 2। इस फॉर्मूले में जमाओ, ये हो जाएगा उपाधार, उपाधार सब बेस कितना है 3, संख्या 32 प्लस 2 विचलन भी 2, उपाधार 3 इंटू 3 विचलन 2 का स्क्वायर फिर विचलन 2 का क्यूब, ऐसे जमाएं ये तो 3×9 और ये हो गया 32 और ये हो गया 4, टोटल 4 32 और 4 ये हो गए 36, 3×9 2×4 9×4 36, या 3×9 2×4 9×4 36, और यहाँ हो गया 2×4 4×8, यहाँ के बेस 8 ही है, पहले गुणा कर लो 9×3 9×6 34 5 27 और 5 32 36 और 8, यहाँ तो यहाँ 8 लिख देंगे, यहाँ ये 6 लिख देंगे क्योंकि बेस 10 है, तो ये आगे भेज देंगे 3, ये होता है 327। अब ये वाला आधार 100, उपाधार 2, विचलन आधार 100 200 लाने तो 2 से गुणा कर लेंगे 200 हो जाएगा, ये हो जाएगा 208 माइनस 2 200 हो जाएगा कितना 8, उपाधार 2 का स्क्वायर, संख्या 208, 2 इंटू विचलन, विचलन हो गया आपके 8, उपाधार उपाधार हो गया आपके 2 इंटू 3 इंटू विचलन 8 का स्क्वायर, विचलन 8 का क्यूब, 2 का 4 ये 16 और ये 208 ये हो गए आपके 224, 64 और 6 36 और 38 ये हो गए आपके 384 और ये आपके 512, यहाँ उतार देंगे हम 12 क्योंकि इस 5 को आगे भेजना है, कारण है कि आधार 100 है तो 2 संख्या हो, अब यहाँ 5 हमने ऐड किया तो ये हो गया आपके 389, ये 89 तो आ जाएगा यहाँ पर और 3 आगे चले जाएगा, अब ये कितना होते हैं 224 को गुणा करेंगे 4 से, सीधा 1×4 8 9 2×4 8 और प्लस 3 ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपके 899, 800 हो रहा है, इन दोनों का गुणा करने पर आता है 896 प्लस 3 899, वैसा करेगा।